ओ थमले दो बंदे जा रहे हैं, एक वन टैप फिर से वन टैप हेलमेट इन लोगों के पास, जल्दी से रश करने वाले हैं। दोनों बंदे दौड़ पेड़ पे कवर ले लिए, छोटा सा कवर, भाग रहे हैं जल्दी से, डबल सेक्टर पे डैमेज। ओ हो पीछे से भी मार रहे हैं, आगे से भी मार रहे हैं लोग, जल्दी से चेंज करेंगे लोकेशन। और एक बंदा रहा, मुझे मार रहे हैं तो डाउन करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। ओपी वाला हेडशॉट आ रहा है, लास्ट दो बंदे रश कर रहे हैं स्क्वाड का, आने की कोशिश डाउन, फिर से जल्दी जल्दी किल कर लेंगे। ओहो लास्ट शॉट खत्म पूरा स्क्वाड। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पन गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। तो आज हम खेल रहे हैं रैंक सोलो वर्सेस स्क्वाड। दैट्स आप सभी ज़रूर, सभी मेरे भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दैट्स एक मोबाइल प्लेयर के लिए बहुत टफ होता है, एक 17 किल 16 किल 15 किल बुया करना, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। एंड मोबाइल प्लेयर को देख रहा हूँ पूरा गेम प्ले पे कोई सपोर्ट नहीं, इसीलिए मैं अंदर से डीमोटिवेट हूँ यार। आप सभी सपोर्ट करते हो तो ज़रूर इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना, सपोर्ट मोबाइल प्लेयर्स। मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पे कोई मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता फुल गेम प्ले पे, मेरे टाइम पे अलग था, अब टाइम पे अलग हो गया है, सभी पीसी प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। तो आप मोबाइल प्लेयर को चाहते हो तो ज़रूर सभी मेरे भाई एक साथ वीडियो को शेयर करना और गेम प्ले के साथ टिप्स भी देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम उतर रहे हैं ब्राज़ील यहाँ पर, और कितना सारा स्क्वाड है देख सकते हो, और फर्स्टली गन मिलना ज़रूरी है क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड है। और मेरे को ओहो एक मिल चुका है और दो कर लेंगे यहाँ पर, डबल विक्टर। बंदा रश करने की कोशिश और यहाँ पर ख़त्म। और आजकल के कुछ कुछ बंदे बहुत ही ओपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने लगे तो ये लोग अकेला ही आ जाते हैं, तो देन लाइक भी कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और पहले तो आपको उतरते ही जो भी गन मिले, डबल विक्टर मिले तो आप सबसे पीरो हो, उसको छोड़ना ही नहीं है तब तक जब तक आप इलाकों को ख़त्म ना कर दो। लास्ट पे तो आपको डबल विक्टर लेना है, एंड आपको डबल विक्टर मिल गया तो कई लोग जल्दी जल्दी मारेंगे। 6 करके डैमेज देख सकते हो, इसका डैमेज ही कम कर दिया भाई। तो जल्दी से रश करने वाले, और ये भी फास्ट और यहाँ पर ये भी डाउन, तो जल्दी से इसको किल कर लेंगे। और जो जो मैं कैरेक्टर स्किल यूज़ कर रहा हूँ, मोको यूज़ करो जो मस्ट है सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए, जो भी आप यूज़ करो मोको मस्ट यूज़ करो, आपको लोकेशन पता चलेगा एनिमी का कि एनिमी कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक रश करने वाला है बंदा यहाँ पर, ओ एक राउंड मेरे को बहुत तेज़ी से पड़ रही भाई, ये स्क्वाड का आई थिंक लास्ट बंदा होगा, जल्दी से मारेंगे ख़त्म। और रुकोंग भी यूज़ कर रहा था ये बंदा, तो 3 किल हो चुका है और मेरा हेल्थ भी बहुत ही गया है, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप पोजीशन नहीं चेंज करोगे या मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता तो मेरे को मार देते। सोलो वर्सेस स्क्वाड का मूवमेंट बहुत ही ओपी होना चाहिए, और मोबाइल प्लेयर हो क्या बोले, मोबाइल टूट जाएगा आपका, तो ऐसी चीज़ होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, क्योंकि एक स्क्वाड को हैंडल करना दैट्स नॉट सो कूल। और यहाँ पर आई थिंक और भी बंदा है लग रहा है, 4 किल मेरा कंप्लीट हो चुका है आई थिंक, ये वो इसी स्क्वाड का कहाँ पर बंदा है पता नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 2-3 बंदा आई थिंक है स्क्वाड का, लास्ट एक एक बंदा जिंदा रह रहे हैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अभी देखते क्या होता है, एकदम बीच पे मत घुसो, और यहाँ पर लूटने बैठे तो थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि ऊपर नीचे बंदा हो सकता है जो एकदम खराबी, चुपचाप नहीं रहना है एकदम। सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको मूवमेंट करते रहना है। आई थिंक मेरे पास लूट नहीं है, एंड आई थिंक यहाँ पर से मेरे को थोड़ा SMG मिल जाए तो बहुत ही उपयोग। और डर के मत खेलो सोलो वर्सेस स्क्वाड, एकदम सीना तान के खेलो, मर जाओ तो भी अच्छा, आपका मूवमेंट स्पीड दिखाओ, स्पीड बढ़ाओ, जम के मारो। ओहो बंदा यहाँ पर चुपचाप बैठा है, आई थिंक इसको मारना चाहिए क्योंकि ये लोग नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। ओ भाई, और ज़रूर मोबाइल प्लेयर लोग ज़रूर सभी मेरे भाई शेयर कर देना एक एक व्हाट्सएप ग्रुप हर एक जगह पे, क्योंकि वीडियो को रीच नहीं मिल रहा अभी फिलहाल। देखते हैं ये बंदे को मारना है मेरे को SMG मिल चुका है, और अभी मैं डबल वेक्टर ले सकता हूँ, मेरे पास आई थिंक नहीं था SMG इसीलिए, भाई मेरे को मिल चुका है डबल वेक्टर। और यहाँ पर बंदा आ चुका है, जल्दी से मारेंगे यहाँ पर डैमेज, और यहाँ पर ख़त्म, 5 किल कंप्लीट और ख़त्म, टाटा बाय बाय। आई थिंक यहाँ पर और एक बंदा है लास्ट पे, यहाँ पर कहाँ पर है, पीछे है या सामने देखना पड़ेगा, एक और भी बंदा इसी स्क्वाड का या कोई भी दूसरा स्क्वाड का बचा हुआ होगा। ओ यहाँ पर नीचे कूद गया, ये क्या कर दिया, मैडम जी नमस्ते, कहाँ पे भाग रहे, ओह ओ भाई ओ, और यहाँ पर ख़त्म, 6 किल कंप्लीट, ब्राज़ील यहाँ पे फुल्ली सोलो वर्सेस स्क्वाड, और यहाँ पर मेरे को मिल चुका डबल विक्टर, जो यहाँ पर कमाल का और गेम का चीज़ होता है मेरे भाई। लड़ाई में को कभी भी यार कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जो मिले वही गन यूज़ करो एंड उससे बंदे को मार दो। तो यहाँ पर मेरे सामने देखो एक बंदा दौड़ रहा है फील्ड के राइड में से, यहाँ पर जा रहा है देख पा रहे हो,
तो यहाँ पर जल्दी जल्दी इसके ऊपर मैं रश करूँगा, और आई थिंक पीछे से मैं नहीं मारूंगा क्योंकि कितना बंदे के देखना है, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप पीछे से मारोगे और चार बंदा निकल गया आमने सामने एकदम खुले पे, तो ज़रूर ना पंगा लो, क्योंकि एक गोली भी मारेगा नो प्लेयर होगा तो उसको मार देगा। और यहाँ पर आई थिंक इसके ऊपर मैं रश करने वाला हूँ, वन टैप मारेंगे, एक शॉट वन टैप, दो शॉट वन टैप, बट आई थिंक इन लोगों का हेलमेट बहुत ही तगड़ा है इसलिए डाउन नहीं हुआ। जल्दी से डैमेज करेंगे डबल वेक्टर से, और एक पेड़ के पीछे दोनों बंदे, छोटा सा कवर, और भाई साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, बट इन लोगों को भागने नहीं देंगे। ओ डैमेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी से डैमेज कर रहे हैं, पीछे से भी बंदा मार रहा है, कवर लेंगे उसके साथ, फायर कवर फायर, तो कवर लो फायर करो, होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड का। यहाँ पर ऑलरेडी 7 किल कंप्लीट और एक बंदा ऊपर गिरा हुआ है, और सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको मिले किल का पोजीशन दिखे तो किल कर लो, नहीं तो बंदा एनिमी उसको हील कर देगा ना, आपको भी मार देगा इसका टीममेट, क्योंकि हील करने के लिए ही वो लोग आ जाओ, आ गया मारेंगे चार करके डैमेज वेक्टर का, यार लॉन्ग रेंज पे कोई डैमेज ही नहीं है, क्या मारेंगे, मैं सोचा था अच्छा डैमेज, बट यहाँ पर ग्रेनेड करेंगे, बट यहाँ पर बंदे को भागने की कोशिश, एक हेडशॉट और लगा ऊपर का कवर लगा दिया, बहुत ही बढ़िया। मैं रश करूँ यार, आकर चलो जल्दी से रश करते हैं, और यहाँ पर रश करा और यहाँ पर मारे, ओ पीछे से भी पड़ रही, ये बंदा चुपचाप खड़ा है, जल्दी से मारेगा, और यहाँ पर खत्म, 9 किल कंप्लीट, पीछे से भी बंदा मार रहा है भाई, टफ सिचुएशन, एंड आई थिंक एक बंदा पीछे से मार रहा है, 9 किल मेरे को मिनिमम 10 के ऊपर किल करना है, और यहाँ पर आपको टारगेट रखना है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप टारगेट पूरा करो, फर्स्ट या 10 किल, 5 किल, 8 किल, ऐसे टारगेट रखो, फर्स्ट फर्स्ट कम टारगेट रखो। यहाँ पर एक शॉट मारेंगे एनिमी को, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, आई थिंक यहाँ पर ये बंदा मेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अलग ही स्क्वाड लग रहा है मेरे को, और इसी स्क्वाड तो ख़त्म हो गया, 9 किल कंप्लीट, और यहाँ पर जल्दी से लूट कर लेंगे, क्योंकि लूट बहुत ही ज़रूरी है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, आप लूट कर लो, क्योंकि आप 10-15 किल के ऊपर कर रहे हो या 10 किल के ऊपर कर रहे हो, आपका लूट ख़त्म हो जाएगा, इनाफ लूट के लिए इनाफ किल करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम एक चीज़ लूट के टार पे बैठ गया यार, ऐसे थोड़ी नहीं होता सोलो वर्सेस स्क्वाड, प्रैक्टिस करना होता है। अभी फिलहाल देखते हैं, मेरे को MP40 मिल चुका है एंड AK मिल चुका है, आई थिंक वो बंदा मारेगा, ओ ओ ओ भाई साहब, आई थिंक मार रहे हैं, जल्दी से मारेंगे ग्लूअर का कवर, और यहाँ पर एक ओपी वाला छोटा सा हेडशॉट, डाउन हो चुका है, जल्दी से रश करने वाले हैं, और रश करते टाइम आप ध्यान रखो, क्योंकि कहाँ से भी स्क्वाड आ सकते हैं, क्योंकि आप फायर कर रहे हो मतलब चारों तरफ से एनिमी आ सकता है एंड मेरे को मार सकता है, ये बहुत ही ओपी पोजीशन। ओ हो, यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका आई थिंक एक स्क्वाड लेफ्ट पे है जो मेरे को मारने की कोशिश करेगा, और इसको मेरे को डिफेंस करना है एंड मारना है इन लोगों को, और डिफेंस बहुत ही अच्छा तरीका है, आप एक घर से मार रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, खुले में रश ना ही करो, क्योंकि ग्लोअल एनाफ भी होगा तो मार देगा, थोड़ा सा घर के पास लड़ाई चल रही हो, घर के इधर उधर लोकेशन चेंज करके मारो तो ही अच्छा है। आई थिंक यहाँ पर देखते वो स्क्वाड मेरे को मारने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते। ओ आ गया कोई कार लेके आ रहा है, अच्छा कार लेके आ रहा है मेरे को मारने की कोशिश, 30 करके डैमेज हो उतर गया, और ग्लो का कवर भी ले लिया, बढ़िया। इन लोग इसको ग्लोअल फोड़ के मारेंगे, रुको, और एक ये बहुत ही ओपी है ग्लोअल फोड़ने के लिए, तो जल्दी से मारेगा, और यहाँ पर ग्लोअल फूट चुका है, और यहाँ पर ये बंदा डाउन, एनिमी डाउन हो चुका है, 9 किल कंप्लीट, और जल्दी से इसको किल करेंगे, नहीं तो कोई बंदा मेरे को मार सकता है, 42 करके डैमेज, लेफ्ट से भी कोई नहीं मार रहा है, और यहाँ पर किल कंप्लीट हो चुका है मेरा, बहुत ही बढ़िया, और इसी स्क्वाड का कहीं बंदा नहीं, और पीछे से आ चुका है जो मैं बोल रहा था, पीछे से भी एक स्क्वाड आ रहा है, तो इन लोगों को डैमेज करेंगे, और ऑलवेज कवर लेके खेलो, मारो कवर लो, मारो कवर लो, एक जगह पे चुपचाप खड़े ना रहो तो हेड ले लेगा। तो एक बंदे को किल कर लिया, आई थिंक एक बंदा है जो रश कर रहा था, मैं उसको ऊपर रश कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कूनो भी और यहाँ पर लगा है इनहेलर, जो इनहेलर यूज़ करो लड़ाई के टाइम देन आपको फुल्ली हील दे देता है, तो इनहेलर ऑलवेज यूज़ करो, एक मेड किट कम लो फिर भी आप इनहेलर लो, बहुत ही ईजी चीज़ होता है हील करने का, तो मेड किट छोड़ दो मेड किट छोड़ दो, सही है इनहेलर ले लो, बट यहाँ पर मैं एक सिचुएशन हुआ था, यहाँ पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं बस सोच रहा था कब बंदे को किल करूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे से ही मेरे को पड़ रहा था, और पीछे से पड़ रही है यार, यहाँ पर जोन पे जाना है तो आपका टाइमिंग है, तो पूरा पीछे से घूम के चलो, जिस लोकेशन से मार रहे हो उस पर मत चलो, और एक बंदा एनिमी आ रहा है तो जल्दी से मारेंगे इसको, ये भाई उठता फिरू मस्त गगन में उठते उठते आ रहा था, इसको मैंने मार दिया एंड चुपचाप आ रहा था, इसको पता ही नहीं था कि मैं पीछे से आ रहा था, और साइलेंसली इसको मार दिया, और लास्ट बंदा आया, नहीं नहीं स्क्वाड का बंदा आ रहा है राइट से, तो ये दूसरा स्क्वाड है जो आ रहा है, 13 किल, और यहाँ पर डाउन, जल्दी से डाउन करेंगे, और गन चेंज करके ऑल एस किल करो, एक गन से मत मारो, रिलोड का टाइम जाता है, और आई थिंक अभी भी बंदा आएगा इसी स्क्वाड का, ये डाउन था, दूर से मार रहा है कोई, 14 किल हो चुका है, तो 15 किल, ओ यहाँ पर 15 किल कंप्लीट, मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड का अभी लास्ट कुछ ही बंदे जिंदा है, क्या हम और एक किल कर सकते हैं, और यहाँ पर ओ बंदा बैठा है, जल्दी से MP40 का स्प्रे, छोटा सा एंड ओपी हेडशॉट पड़ा,
जल्दी से इसको मार देंगे और लास्ट पे जोश बना के रखो एंड लास्ट जोन के कोने पे रहो। और जहाँ पर कोने पे रहा और मेरे पास ही जोन बन गया, और ऊपर बंदा हो तो नीचे से फायर कम करो, उसको नीचे आने दो क्योंकि यार फायर करेगा तो हेड ही लगेगा। और इसका गन कुछ अलग है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है और ये एक गलती से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आई थिंक ये हेडशॉट, ओपी वाला हेडशॉट एंड खत्म, बोलते बोलते हेडशॉट ही हेडशॉट 17 किल भूया। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो प्लीज सपोर्ट मोबाइल प्लेयर, जरूर सभी शेयर कर देना वीडियो को। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको गेम पे कुछ कुछ चीज़ें जो फ्री में मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पर जो है बैकपैक की स्किन, फिश स्किन, यहाँ पर ड्रेसेस का स्किन और ये बाइक का स्किन है। जैसे कोबड़ा इवेंट था ऐसे ही इवेंट आने वाला है, टोकन्स कलेक्ट करने हैं उससे आप इसको रिडीम कर सकते हो। और ये देखो बहुत ही कोनाइट बंडल ओपी लग रहा है जो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ज़रूर गेम लॉग इन करो, खेलो एंड कलेक्ट करो ये सब ड्रेस फेस्ट स्किन। बाय बाय।